हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। यहां पर जो 2992 पोस्ट जारी की गई हैं, वह ईस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जारी की गई है। यह ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से अब हम फॉर्म फिल करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फॉर्म फिल करने से पहले हम शॉर्ट में नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए नोटिफिकेशन में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट 11 अप्रैल 2022 है और इसकी लास्ट डेट 10 मई 2022 है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। आप यहाँ पर ट्रेड वाइज और डिवीजन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 15 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 24 वर्ष से कम होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष की, यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष की, यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो 10 वर्ष की अपर एज में छूट दी जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, 10th क्लास पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ, और साथ ही ITI कंप्लीट होना चाहिए NCVT या SCVT से। यदि आप बेल्डर, गैस या इलेक्ट्रिक, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पॉइंटर जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कम से कम 8th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही NCVT या SCVT से ITI कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो ₹100 है। यदि आप SC/ST, PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जिस ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड को सेलेक्ट करें। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यदि आप PH कैंडिडेट हैं तो आप एस सेलेक्ट करें। इसके बाद यदि आपकी डिसबिलिटी 40% या उससे अधिक है तो यहाँ पर आपको एस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको किस टाइप की डिसबिलिटी है उसे सेलेक्ट करना है। यदि आप PH कैंडिडेट नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद अब आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप अपना फुल नेम फिल करें। इसके बाद फादर नेम इंटर करें। इसके बाद मदर नेम इंटर करें। कम्युनिटी सेलेक्ट करें। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप ईयर पे क्लिक करें, अगेन ईयर पे क्लिक करें। अब आप अपना ईयर सेलेक्ट करें। यदि आपका बर्थ ईयर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आप एरो पे क्लिक करके बर्थ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। इसके बाद डे सेलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। रिलीजन सेलेक्ट करें। इसके बाद आधार नंबर इंटर करें। आधार नंबर इंटर करना कंपलसरी नहीं है। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप एस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है। यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। यदि आप वार्ड हैं तो इन कैटेगरी में से कोई सेलेक्ट करें, यदि नहीं है तो नॉन सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर करनी है। कंफर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंटर करना है। इसके बाद अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, यानी आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप लाइन 1 और लाइन 2 में अपना एड्रेस इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आपको सिटी, टाउन या विलेज नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद पोस्ट ऑफिस नेम इंटर करें। इसके बाद पिन कोड इंटर करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप चेक बॉक्स को टिक करें। यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 8th क्लास की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपने 8th क्लास में कितने नंबर प्राप्त किए हैं इंटर करना है। यहाँ पर आपके 8th क्लास के मैक्सिमम मार्क इंटर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 8th क्लास के परसेंटेज शो होंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको 8th क्लास की पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपको 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से पास आउट हैं। यदि आपका बोर्ड नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड नेम एंटर करना है। यदि आपका बोर्ड नेम इस लिस्ट में है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क एंटर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क एंटर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज शो होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ITI की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यदि आप 8th क्लास से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 10th क्लास की इंफॉर्मेशन फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ITI की इंफॉर्मेशन फिल करें। यहाँ पर आपको ITI सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ITI इंस्टीट्यूट नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ITI के मैक्सिमम मार्क एंटर करने हैं। यहाँ पर आपके परसेंटेज शो होंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन चेकबॉक्स टिक करना है। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी की है यहाँ पर एंटर करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यदि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत फिल हो गई है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें और एडिट डाटा पे क्लिक करके एडिट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स सही फिल हैं तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आप नोट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भी प्राप्त हो चुका होगा। इसके बाद अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन में या क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी की एंटर करनी है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं या ईमेल आईडी में भी प्राप्त नहीं हुआ है तो आप फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो होगी। इसके बाद अब आप क्लिक हियर टू फिल यूनिट प्रेफरेंस में क्लिक करें। यहाँ पर आपको कम से कम एक यूनिट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी यूनिट से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप इसी तरीके से सेम यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। यूनिट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है उसका जो फाइल साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए और इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG या JPEG में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका जो फाइल साइज है वो 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी फोटो शो होगी। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास की मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज सर्टिफिकेट, यदि आपके पास एज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ITI मार्कशीट और यहाँ पर आपको ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सभी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इसके बाद अब आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। यदि आप SC ST, PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए आई एग्री पे क्लिक करें। इसके बाद क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करें। इसके बाद अगेन पे नाउ पे क्लिक करें। यदि आप एप्लीकेशन फीस पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। यदि आप प्रीपेड डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करें। यदि आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करें। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करें। यदि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी वैलिडिटी एंटर करनी है। इसके बाद CVV नंबर एंटर करना है जो कि 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है।
इसके बाद पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। यदि आप कोई भी स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।